हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन माय एडुकेशन। हाँ, माय नेम इज दीक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में हम मेडिवल लिटरेचर को कंटिन्यू करते हुए उर्दू लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पर्शियन कंप्लीट कर ली थी और जो आज का लिटरेचर बेस्ड होगा दैट इज़ ऑन द उर्दू लैंग्वेज। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं विद द उर्दू लिटरेचर। अब देखो, पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो चुकी थी। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये नहीं बता सकते कि कितनी पुरानी है, बट यस, इतने श्योर थे कि हाँ, संस्कृत के कहीं आसपास ही ये भी इमर्ज हो रही थी इन द सेंट्रल एशिया। अब जो उर्दू है ना, उसका एक डिबेट ही चला रहता है कि डेवलप कैसे हुई है। कुछ का मानना है, कुछ हिस्टोरियंस मान लेते हैं कि हाँ, पर्शियन और हिंदी का जो मिक्सचर था उसी से कहीं ना कहीं उर्दू आई। जब पर्शियन और हिंदी वाले लोग इंटरेक्ट कर रहे थे आपस में, तो वहाँ से एक नई लैंग्वेज इमर्ज होगी उर्दू। ये होता है ना, जैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो तो वहाँ पे आप उनके डायलेक्ट सीखने की ट्राई करते हो, बट अगर डायलेक्ट नहीं बन पाता तो कुछ और बोलने लग जाते हो। ठीक है, होती वर्डिंग वही है बट डायलेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये डिबेट चलती रहती है कि हाँ, जो पर्शियन और हिंदी इंटरेक्शन है उसकी वजह से उर्दू स्टार्ट होती है। और ये कहाँ पे डेवलप हुई ज़्यादा? टर्किश आर्मी के बैरिक्स में। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि इनके बैरिक्स में ये ज़्यादा इमर्ज हुई इन द टर्किश आर्मी। और साथ में ये भी माना जाता है कि जो इंडो आर्यंस थे, जो कि इंडिया में ही बॉर्न हुए थे, उन्होंने जो हिंदी की खड़ी बोली डायलेक्ट होती है, खड़ी बोली, ये जो ये वाली डायलेक्ट होती है, कहीं ना कहीं इंडो आर्यंस ने इसको डेवलप करा इनटू उर्दू। तो उर्दू यहाँ से डेवलप हुई। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, डिफरेंट हिस्टोरियंस आएंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। अमीर खुसरो की बात हमने पर्शियन लिटरेचर में भी करी, इनके हमने दीवान एंड ऑल वो सारे वर्क्स चेक करे थे। अब क्या होता है, जिस टाइम अमीर खुसरो इमर्ज कर रहे थे एज अ ग्रेट और फाइनेस्ट पोएट, तो उसी टाइम पे उर्दू भी फ्लरिश कर रही थी। अब उर्दू फ्लरिश कर रही थी, ये पोएट थे, इनको तो अपने पोएम्स में टिंच डालना था, तो इन्होंने क्या किया, उर्दू भी सीख ली। और जब उर्दू सीखी तो उर्दू में भी इन्होंने थोड़ी बहुत पोइट्री, थोड़ी बहुत राइटिंग्स अपनी लिख दी। किसने? अमीर खुसरो ने। तो मतलब अभी उर्दू बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे थी। नेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो जैसे नेसेंट बेबी होता है ना, जिसने अभी अभी बर्थ लिया होता है, तो दैट इज द नेसेंट, मतलब बिल्कुल न्यू। अब उर्दू में आप अगर देखो तो ग्रामर आपको हिंदी का ही मिलेगा, जैसा हिंदी का ग्रामर होता है ना वो उसी का ही रहेगा, बट जो फॉर्म एंड स्क्रिप्ट रहेगी वो किसकी मिलेगी? पर्शियन लैंग्वेज की। फॉर्म एंड स्क्रिप्ट इज ऑफ पर्शियन। आपने सुना होगा उर्दू जब बोलते हैं तो देयर इज अ डिफरेंट टोन, ठीक है, बहुत शांत, बहुत ठहराव वाली लैंग्वेज है उर्दू। तो फॉर्म एंड स्क्रिप्ट जो होगी आपको वो मिलती है पर्शियन लैंग्वेज में। अब जो बहमनी स्टेट्स हुआ करती थी वो इसको काफी ज्यादा यूज करते थे। अब कौन कौन सी बहमनी स्टेट्स थी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे चार स्टेट्स हुआ करती थी। जो फर्स्ट थी आपकी, दैट वाज द अहमदनगर। अहमदनगर जो थी आपकी पड़ती है इन द महाराष्ट्र वाले रीजन। फिर आती है गोलकोंडा, हैदराबाद वाला, देन बीजापुर एंड बेरार। बेरार भी आपका हैदराबाद में ही पड़ता है, ठीक है। तो बहमनी स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाती है। और साउथ में देखें तो दक्कनी। अगर आप इंडिया की बात करें तो इस तरह से इंडिया आ गया आपका, तो ये जो ये वाला एरिया है दैट इज द दक्कनी भी बोल देते हैं इसको, या डेक्कन स्टेट्स भी इन्हीं को बोल देते हैं। डन। आफ्टर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जब भी उर्दू लिटरेचर की बात होगी तो इनका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उर्दू लिटरेचर के बारे में आप लिख रहे हो तो इनके बारे में लिखना आप ना भूलें। मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो थे बहुत ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ उर्दू। इन्होंने बहुत सारे दीवान कंपोज किए, और ये जो दीवान हुआ करते थे दे वर द कलेक्शन ऑफ पोइट्री इन उर्दू। उर्दू में बेसिकली ये पोइट्री हुआ करती थी, और इनकी एक पोइट्री थी कि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, नहीं तो हम भी एक काम के आदमी थे। तो इस तरह से इनकी पोइम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी पोइम्स इन्होंने लिखी। और इनकी अगर पोइम्स आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कि थोड़ा दर्द उनमें लिखा होता है, थोड़े सौदे वाली बातें करी होती हैं। तो दीज ऑल आर नोटेड इन साइड द पोएम्स ऑफ मिर्ज़ा गालिब। बहुत सारे नोटेबल पोइट्स हुए ड्यूरिंग द उर्दू लैंग्वेज का जब ये इमर्जेंस होता है। कौन कौन से? एक थे सौदा, दर्द, मिर तकी मीर। ये दर्द दर्द वाला नहीं है, ये नाम है, ठीक है। मिर तकी मीर, मिर तकी मीर भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोइट रहते हैं। फिर आते हैं इकबाल। इकबाल के दो काम आपको याद रखने हैं, एक है बंगे दरा। बंगे दरा तो चलो था ही, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो था जो पेट्रियोटिक फीलिंग देता था सारे जहाँ से, अच्छा, जो नेशनल सॉन्ग भी बना बाद में। तो यहाँ से पता लगता है कि कुछ ना कुछ पेट्रियोटिज्म
इमर्ज हो रहा था, किसके टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इकबाल। अच्छा लास्ट स्लाइड पे ना बीजापुर भी था एक, तो जो बीजापुर है ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़। चार पढ़े ना हमने, एक था आपका अहमदनगर, अहमदनगर आ गया आपका महाराष्ट्र में, सेकंड था बीजापुर या आपका छत्तीसगढ़ में, बाकी के जो तीसरे और चौथे थे आपका बेरार और गोलकोंडा, ये दोनों हैं आपके हैदराबाद में, तो ये भी याद रखना, ठीक है, कौन से प्लेसेस हैं। अब क्या होता है, अब किंग्स भी थे उस टाइम पे, तो कुछ किंग्स जो थे उनको पसंद थी पोएट्री, कईयों को नहीं भी थी, ठीक है, तो यहाँ पे जिनको पसंद थी उन्होंने पेट्रोनाइज भी करे पोएट अपने अंडर। तो कौन कौन ऐसे किंग्स थे जिन्होंने उर्दू पोएट्स को पेट्रोनाइज करा, एक थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने ना सिर्फ पोएट्स को पेट्रोनाइज करा बट ये खुद भी पोएट्री किया करते थे। एंड सेकेंड थे नवाब्स ऑफ अवध, अवध के नवाब जितने भी थे उन सभी ने उर्दू पोएट्स को पेट्रोनाइज किया ही किया। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो अभी, वो है सर सैयद अहमद जी की। जो सर सैयद अहमद थे इनका दो फील्ड्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, एक तो एडुकेशन में और दूसरा वीमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने में। इनका मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी जो थी उस टाइम पे अगर रिलीजन के बेसिस पे देखें वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे थे खुद को, ठीक है, एडुकेशन भी वो ले रहे थे, फोकस थे मतलब पूरे, बट जो मुस्लिम थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहे थे। तो सर सैयद अहमद का ये नहीं था कि हमें हिंदूज को पीछे करना है, नो दैट वॉज नॉट हिज आइडिया। इनका मेन पर्पज था कि येस, कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी थोड़ा अपने आप को एडवांस करना चाहिए, उनको भी थोड़ा एडुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक जर्नल चलाया जिस जर्नल का नाम था तहदीब उल अखलक, तहदीब उल अखलक। सो दिस वॉज द जर्नल स्टार्टेड बाय द सर सैयद अहमद। इन्होंने क्या किया कि एजुकेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, वेमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे। सो अगेन यहाँ पे इन्होंने कोई भी ऐसी बायसनेस नहीं दिखाई मुस्लिम की तरफ, बट यस इनका ये मानना था कि जो मुस्लिम पीपल हैं उनको भी थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम, क्योंकि टाइम जो था वो बहुत स्पीड से चेंज हो रहा था, एजुकेशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा था, बट कहीं ना कहीं मुस्लिम्स जो थे वो पीछे रह रहे थे इस चीज़ में। ऑल दो नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा पड़ता है किसी ना किसी चीज़ का, वो डिफरेंट टॉपिक है, बट अभी यहाँ पे जर्नल आपको याद रखना है, दैट इज़ द तहदीब उल अखलक, दैट इज़ रिटन बाय सर सैयद अहमद। हर वीक में आता था, हर मंथ में आता था। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आपको याद रखनी है, जैसे कसीदा, जो कसीदा अगर हिंदी में बोलें सीधे तो कसीदे बोलते थे इनको, जो कसीदे होते थे छोटे छोटे, मतलब एक तरह से बुकलेट हुआ करते थे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर सर सैयद अहमद है यहाँ पे ये जर्नल चला रहे हैं, बट अगर इनको कसीदे चलाने अपने कसीदे, तो छोटा सा कोई टॉपिक होगा लाइक अ मैगजीन 22-23 पेज का, ठीक है, तो इतना सा होगा ये, तो उनको बोलते थे कसीदे। कसीदे में बेसिकली क्या किया जाता था कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करी जाती थी, कि हाँ फॉर एग्जांपल अगर आप कोई साइंस का टॉपिक उठा लो उसको पढ़ रहे हो, कोई पॉलिटी का टॉपिक उठा लो, कंसीडर प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो आप, तो इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में होगा मेंशन, ठीक है, एक ही टॉपिक के ऊपर प्रेसिडेंट का बताया जाएगा, कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में आता है, कैसे इनके इलेक्शन होते हैं, व्हाट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट कैसे होती है और पावर्स क्या क्या हैं प्रेसिडेंट के बाद, तो वो सारा एक ही कसीदे में मेंशन हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में नहीं हुआ करते थे ये कसीदे, बस ये जस्ट टू साइट एन एग्जाम्पल कि कसीदे क्या हुआ करते थे। यहाँ पे इनका जो मेन फोकस हुआ करता था दैट वॉज द प्रेज ऑफ किंग, क्योंकि उस टाइम पे किंग को खुश रखना वॉज मेन पर्पज, ठीक है, तो प्रेज ऑफ किंग आपको देखने को मिलेगी इन साइड द कसीदे। एक लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल अरेबिक, देन पर्शियन, ठीक है, पर्शियन ये ज़्यादातर यूज होती थी इन सेंट्रल एशिया एज वेल एज इन इंडिया, तो किंग की प्रेज में लिखे जाते थे कसीदे। एक कसीदा आपको याद रखना है, देन सेकेंड टर्म आती है आपकी गिन्नास, जो गिन्नास हुआ करती थी दीज वर द डिवोशनल हाइम्स, ये डिविनिटी से एसोसिएटेड थे कहीं ना कहीं पे, लव हो गया आपका, कॉस्मोलॉजी होगी, रिचुअल्स, एथिक्स, मेडिटेशन, तो ये सारे टॉपिक्स जो थे वो कहाँ पे मेंशन करे जाते थे आपके गिन्नास में, ठीक है। एक नाम याद यहाँ पे रखना है, नाम या मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी एक जिनको बोलते थे निजारी, इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे विद द गिन्नास, तो ये कम्युनिटी हुआ करती थी निजारी इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी, तो इनमें ये काफी ज्यादा पॉपुलर था, और इस निजारी इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी को एक और टर्म दी गई थी खोजाज, खोजाज, ठीक है। साउथ एशिया में भी ये काफी ज्यादा प्रोलिफरेट
प्रोमिनेंट था उस टाइम पे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उस तरफ भी, और बहुत सारे कंपोज करे गए टेक्स्ट इनके बेसिस पे कि डिवोशनल हाइम्स, डिवोशनल जहाँ पे डिविनिटी आती है वहाँ पे प्यार प्रेम की बातें हो ही जाती हैं, कॉस्मोलॉजी की बातें होती हैं, देन रिचुअल्स, कुछ ना कुछ मेथड होते हैं, कुछ ना कुछ अगर आपको पाना है तो कोई ना कोई रिचुअल आपको करना ही पड़ेगा। अब ये भी अगेन किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं थी, ये आपको गुजराती में देखने को मिलेगी, देन उर्दू में, पंजाबी, सिंधी, सो देयर वर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस जिसमें गिन्नास को स्टार्ट किया गया, कंपोज किया गया। फिर एक और टर्म आती है वो भी आपको याद रखनी है, दैट इज शहर अशोब। शहर अशोब जो हुआ करती थी दैट वॉज द पोइटिक जॉनरे। अब जो जॉनरे की बात होती है वो छोटी सी बुक होती है अगेन, ठीक है, जर्नल से बड़ी बुक से छोटी। तो साउथ एशिया में ये जो शहर अशोब थे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे, एंड जो अशोब हुआ करते थे इमोशनल थाट्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थे। किस चीज़ पे? दैट इज ऑन द इमोशनल थाट्स। पोएम्स की फॉर्म में इमोशनल थॉट्स को लिखा जाता था, नरेटर नरेट करेगा, और जो मुगल एम्पायर थे ना वहाँ पे भी पोएट्स इसको लिखा करते थे। शहर अशोभ को किस फॉर्म में लिखते थे? इन द फॉर्म ऑफ एंग्विश एंड सोरो। एंग्विश, एंग्विश मतलब गुस्सा हो गया, सोरो मतलब थोड़ा सैडनेस वाला मूड हो गया, कि पॉलिटिकल एंड जो सोशल शिफ्ट हो रहे थे उस टाइम पे कैसे उस पर एंग्विश और सोरो जो था वो कोर्ट की तरफ से आता था, किंग्स की तरफ से आता था। ऑल दो जो मुगल एम्पायर था दैट वॉज ऑन डिक्लाइन, बट यस क्योंकि बहादुर शाह जफर तकम आ चुके हैं ना वहाँ ना कहीं उस टाइम पे फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है मुगल एम्पायर, और हम एंटर कर जाते हैं बाद में मॉडर्न लिटरेचर में। बट इसके बाद हमें पहले करना है हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट पे फोकस, क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी कि पर्शियन और हिंदी के कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की वजह से उर्दू लैंग्वेज इमर्ज होके आती है, तो उसकी वजह से हमें हिंदी लिटरेचर भी यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे पोएट्स, राइटर्स, ऑथर्स इमर्ज होके आते हैं इन द फील्ड ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। सो दिस इज इट अबाउट द उर्दू लैंग्वेज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।